तो पिवट टेबल में हम अपने डेटा के अंदर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन हम अपने डेटा में नहीं, मैं पिवट के अंदर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने डेटा को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ कि डेटा हमारा किसी और चीज़ से लिंक है, अगर छेड़ दूंगा तो जब भी हम इसको डेटा इसमें डालेंगे हर बार मुझे इसको छेड़ना पड़ेगा। तो मैंने पिवट लगाया और पिवट लगाने के बाद मान लीजिए कि हमने नेम वाइज यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल ले लिया। अब यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इन सबों का एक टारगेट है, इन सबों का एक टारगेट है और टारगेट हमने डेटा में डाल दिए। हम सबसे नीचे अपने डेटा में जाते हैं और यहां हम कुछ नहीं करते, नेम में हम टारगेट यहां लिख देते हैं और लिखने के बाद यहां हम दे देते हैं कि सबका जो टारगेट है ये हमारा 2000 का टारगेट है। 2000 नहीं करता, एक काम करता हूं 3000 कर देता। अब इसमें हम रिफ्रेश करते हैं तो मेरा डेटा नहीं आएगा। ना आने के पीछे रीजन ये है क्योंकि हमने जब पिवट लगाया था उसमें पिवट का रेंज 797 तक था, तो हमें यहां पे टारगेट लाने के लिए अपने डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। तो कैसे अपडेट करें, तो पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहां चेंज सोर्स डेटा दिखेगा, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए और पिवट को वापस रीसेलेक्ट कर लीजिए कि आप जहां तक आपका टारगेट है वहां तक। अब आपके यहां पे देखेंगे तो टारगेट आ जाएगा। अब मुझे इस टारगेट वाले अमाउंट से बाकी सब को डिवाइड करने हैं ताकि परसेंटेज पता चल जाए। तो यहां पे एक चीज और भी है कि मैं क्वांटिटी को मैं एक बार और यहां रख सकता हूं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो चार आपके पास बॉक्सेज हैं इसमें आप तीन में जो है किसी भी एक वैल्यू को एक ही बार रख सकते, एक फील्ड को एक ही बार रख सकते हैं, ठीक है, दो बार नहीं रख सकते आप, लेकिन वैल्यूज में एक फील्ड को कई बार रख सकते हैं। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया और मैंने यहां पे सो वैल्यू एज में नो कैलकुलेशन को हटा के यहां पे मैंने परसेंटेज ऑफ को सिलेक्ट कर लिया। परसेंटेज ऑफ किसका, तो हमने बोला कि परसेंटेज चाहिए टारगेट का, टारगेट को सिलेक्ट किया, देन ओके। आगे परसेंटेज सर, क्लियर है सर? दोबारा बताइए कहां से ऑप्शन आया था। हमने यहां गए, जैसे मान लीजिए मुझे यहां पे रनिंग टोटल चाहिए, यहां पे कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग है सम के ऊपर, वैल्यू फील्ड सेटिंग जहां से हम चेंज करते हैं कि सम हो एवरेज हो, उसी के बगल में एक सो वैल्यू एज दिखेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट नो कैलकुलेशन होता है। अब नो कैलकुलेशन को चेंज कर लीजिए आप में रिक्वायर कैलकुलेशन के, जहां पे मुझे अभी तो पर्सन पता है परसेंटेज ऑफ निकालना है, तो यहां पे हमने टारगेट सिलेक्ट कर लिया, यहां परसेंटेज आपको दिख गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसमें यही नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे सिटी वाइज मान लीजिए रिपोर्ट निकालना, मैंने यहां सिटी को लिया और यहां सिटी का क्वांटिटी ले लिया। अब यहां पे सिटी वाइज टोटल आया है मेरा, अब मुझे इसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए कि किसका कितना परसेंट का हिस्सेदारी है टोटल सेल में, किस सिटी का। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, सो वैल्यू एज पे जाएंगे, यहीं पे दिखेगा परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल। इस परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल को सिलेक्ट कीजिए और यहीं पे आपको ओके कीजिएगा, तो जो टोटल है ना उससे बाकी सबको डिवाइड करके इसने बता दिया कि कितना किसका कितना परसेंट का हिस्सेदारी है, ठीक है। इसी में और भी कैलकुलेशन है सो वैल्यू एज में, यहां पे जैसे कि पेरेंट टोटल हो गया, डिफरेंस हो गया, डिफरेंस का परसेंटेज हो गया, रनिंग टोटल जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव टोटल कहते हैं, ये हो गया। जैसे मान लीजिए ना मैं इस बार जैन का नहीं डेट रखता हूँ, अपने डेट को रखा, अभी डेट में यहाँ पे राइट क्लिक और मैंने यहाँ पे ग्रुप और मैंने यहाँ पे कर दी मंथ वाइज टोटल। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अब यहाँ पे हम जाते हैं वैल्यू में और यहाँ पे सो वैल्यू एज और फिर हम इसको रनिंग टोटल लिख के ओके करते हैं, इनने आ रहा है, एक मिनट, परसेंटेज में है कैलकुलेशन यहां रनिंग टोटल,
परसेंटेज आ गया, माफ कीजिएगा, रनिंग टोटल परसेंटेज है यहाँ पे रनिंग टोटल, ठीक है सर, क्यूमुलेटिव ले लिया ना। हाँ क्यूमुलेटिव इसे 3000 था, मान लीजिए, मान लीजिए ना 3000 जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक, ओपनिंग, तो ओपनिंग 3000 था, फिर जैन में जैन का सेल हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अगर दिक्कत हो रही हो तो आप एक क्वांटिटी एक बार यहाँ और रख दीजिए, तो 3000 था, 45000 सेल हुआ, तो जनवरी में हमारा टोटल आ गया 7581, फरवरी में 11000 टप गया, इससे होते 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 40000 तक पहुँचा हमारा। तो इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपने पिवट के अंदर। तो बाकी कैलकुलेशन पे आप ये दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपको समझा देंगे बाकी चीज़ें।